बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमरीका ब्राह रास रूस और यूक्रेन की जंग में कूद पड़ा है। नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने वाले अमरीका ने साबिक फौजी रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार कर लिए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक अफगानिस्तान और इराक में लड़ने वाले फौजियों को यूक्रेन भेजने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि यूक्रेनी वजीर आजम ने 2000 अमरीकी जंगजू मुल्क में दाखिल होने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से बताया है कि 3000 अमरीकी फौजी बैनुल अक़वामी ब्रिगेड का हिस्सा होंगे। मुतरक्को लिबा ने जंगजुओं को मुखातिब करते हुए ट्विटर पर कहा कि हमने मिलकर हिटलर को शिकस्त दी और अब प्यूटन को भी शिकस्त से दो चार करेंगे। दूसरी जानब व्हाइट हाउस ने यूक्रेनी सदर की दरख्वास्त पर पोलैंड से लड़ाका तैयारों के हुसूल में मदद की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी जानब रूसी अब बम्बार तैयारों ने मारियोपोल पर दोबारा शदीद बम्बारी की है, जहां भारी हलाकतों की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। फिजाई हमलों के बायस शहरियों का इनखिला दोबारा मुलतवी कर दिया गया है, जबकि यूक्रेनी सदर पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल किए गए हैं, जिनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। इन खबरों की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, दूसरों को अखलाकियात का सबक सिखाने वाले अमरीका के साबिक फौजी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। फैटफ के जरिए नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाकर अपने मुतालबात मनवाने वाला अमरीका जंगजुओं की हौसला अफजाई में मसरूफ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इराक और अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले और अमरीकी सीनियर फौजी एहलकार यूक्रेन जंग से जुड़ चुके हैं। इनमें दर्जनों एहलकार रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन जाने की तैयारी में हैं। अमरीकी अखबार ने मजकूरा जराए के हवाले से बताया है कि यूक्रेन के वजीर आजम के मुताबिक तकरीबन 2000 अमरीकी जंगजू यूक्रेन दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन के एक जिम्मेदार ने बताया कि 3000 अमरीकी रजाकार रूसी अफवाज के खिलाफ मुजाहमत करने वाले बैनुल अक़वामी ब्रिगेड में शरीक होंगे। यूक्रेन के वजीर खारजा दमरीत कोलोबिया ने जंगजुओं को मुखातिब करते हुए ट्विटर पर कहा कि हमने मिलकर हिटलर को शिकस्त दी और अब प्यूटन को भी शिकस्त से दो चार करेंगे। अमेरिका में लड़ाई के माहिर सीनियर फौजी एहलकारों के छोटे ग्रुप बनाकर सफर के लिए पासपोर्ट हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। दूसरी जानब व्हाइट हाउस ने हथियारों और लड़ाका तैयारों के हुसूल में मदद की यकीन दहानी करा दी है। एक और अखबार के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने मुल्क की अफवाज की तैयारी के सिलसिले में हथियारों के हुसूल के वास्ते अमरीकी कांग्रेस से मदद तलब की और यह भी कहा था कि जो बाइडन की इंतजामिया इस बात की जमानत देगी कि वो खला को पूर्ण करने के लिए अमरीकी लड़ाका तैयारी फराहम करेगी। इस पर व्हाइट हाउस ने जवाब दिया कि वो इस मामले को देखेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि हम इस मामले के हवाले से पोलैंड के साथ काम कर रहे हैं और हम नेटो में अपने बकिया हलीफों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक व्हाइट हाउस ने पोलैंड की तरफ से जंगी तैयारों की यूक्रेन मुंतकली की किसी भी सूरत में मुखालिफत नहीं की। जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतालिक कहना है कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीबी कस्बे पर रूसी अफवाज की भारी बमबारी हुई है, जिससे बेतहाशा लोगों की अमवात का जिक्र किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी फौज ने कीव का मुहासरा कर रखा है, जबकि रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर दोबारा फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। मारियोपोल इंतजामिया का कहना है कि शहर में रूसी बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस लोगों का इनखिला मुलतवी कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं।
ख्याल रहे कि रूस ने 14 फरवरी को यूक्रेन पर हमलों का आगाज किया था और रूस की जानिब से यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा किया जा चुका है, जिनकी तादाद 12 बयान की जाती है। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन ने 8 साल तक डोनेस्टिक और लोहानसिक में 500 बच्चों समेत 15,000 शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन अब शहरियों पर हमला करने वाले इन आवारा कुत्तों को जहर देने या गोली मार देने का वक्त आ गया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने दफ्तर से जारी बयान में इल्जाम आयद किया कि यूक्रेन ने 2 सूबों पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए 2014 से ताहाल 14,000 से जायद शहरियों को कत्ल किया, जिनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं। रूसी सदर ने मजीद कहा कि मगरबी ममालिक बहुत महजब और इंसानी हकूक के चैंपियन बनते हैं, लेकिन 2 सूबों लोहानसिक और डोनेस्टिक में यूक्रेनी फौज के 8 बरस तक मजालिम पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। सदर पुतिन ने कहा कि मुमकिन है ये सख्त लगे, मगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं और अब वो वक्त आ गया है जब लोग ऐसे